प्रथम नियुक्ति मानी है सरकार ने, और जब प्रथम नियुक्ति 18 से मानी है तो हो क्या रहा है कि जब कमलनाथ जी की सरकार बनी 2019 में तो उन्होंने हमारे 16 शिक्षकों की सेवाएं ये कहते हुए निरस्त कर दी कि आपकी नियुक्ति तो 98 में भैया, और 98 से लेकर 2018 तक आपके 19 तक आपके 20 साल हो गए, तो आप 20-50 के फार्मूला के तहत आपकी 20 साल की सेवा हो गई, 50 साल की उम्र हो गई, आपको सेवा आपकी सेवा समाप्त की जाती है। फिर यही सरकार हमसे कहती है हमारे साथ के जो रिटायरमेंट हो गए, हमारे साथ के जो दिवंगत हो गए, जब उनकी दिवंगत की विधवा पत्नी कहती है कि मेरे पति की ग्रेजुटी का पैसा मुझे दो, तो वो कहते हैं आवेदन में जिला कलेक्टर आपके जो जिला शिक्षा अधिकारी है वो कहते हैं कि भैया आपकी नियुक्ति तो सरकार 2018 से मान रही है, अब आप 19 में या 20 में मर गए तो आप 2 साल ही तो भाई 22 महीने तो भाई 24 महीने तो भाई। अब सवाल ये आता है कि ये कमलनाथ सरकार ने हमारे 16 लोगों को 98 से लेकर 18 तक की 20 साल की सेवा मान के उनको सेवानिवृत्त दे दी, अब ये सरकार जब हमारा कोई कर्मचारी मर जाता है वो ग्रेजुटी का पैसा मांगता है तो उससे कहते हैं उनको 18 में नई भर्ती भाई तुम्हारी नई नियुक्ति भैया, तो इस तरह से हमारी 20-22 साल की सेवाओं को शून्य कर दिया गया है। दूसरी बात, हमारे कर्मचारी आने वाला है, क्या इसका प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा? 100% पड़ेगा, 1000% पड़ेगा। मध्य प्रदेश में केवल 287,000 3 लाख शिक्षक ही नहीं है, हमारे कम से कम 8-10 लाख ऐसे कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश सरकार में जिनका NPS कटता है, जो पुरानी पेंशन मतलब मांग रहे हैं, इनकी डिमांड है, जो मामा शिवराज सिंह से प्रार्थना कर रहे हैं हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। पुरानी पेंशन बहाल ना होने की वजह से परिवार जो है वो पिटमा रहे हैं, ठोकरे खा रहे हैं, दर्द की बीमारी के इलाज के लाने पैसा नहीं है, गैस की टंकी खरीदने पैसा नहीं है, साथ सब्जी नॉन तेल मिर्ची मसाले लेने पैसा नहीं है, 300, 350, 400, 1700, 1800 रुपया पेंशन बन रही है। जो कर्मचारी का अंतिम वेतन 60,000 था, आज उसे आप 1800-1200 पेंशन दोगे तो वो उसका घर कैसे चलाएगा? उसको ग्रेजुटी के पैसे खा रहे हैं, पेंशन नहीं दे रहे। निश्चित रूप से अगर शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार अगर मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है, ग्रेजुटी नहीं देती है, हमारी वरिष्ठता 98 से नहीं मानती है, गुरुजियों को वरिष्ठता नहीं देती है, संविधान को वरिष्ठता नहीं देती है, या आम संविधा कर्मी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रोजगार सहायक पंचायत सचिव मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों के संगठन जो 54-55 विभागों में लोग काम कर रहे हैं लगभग 10 लाख होंगे, वो 10 लाख में अगर एक एक परिवार से 5-5, 7-8 वोट भी होंगे ना, तो 5-25-50 लाख वोट प्रभावित करने